Students, hope you are doing well. In this video, we will do numerical of chapter 8 from page number 109, example 8.7. So question is, the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक चलती हुई कार है जिसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगाया गया और ब्रेक लगाने के बाद कार का एक्सलेशन हो जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कार 2 सेकंड्स के बाद रुक जा रही है तो हमें कैलकुलेट करना है कि कार ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया और डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेकिन हमें कार का इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग 2 स्टेप्स में करेंगे पहले कार के इनिशियल वेलोसिटी को निकालेंगे फिर कार के डिस्टेंस को निकालेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से एक्सलेशन इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस साइन यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि कार का वेलोसिटी बाद में कम हो रहा है टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 क्योंकि कार बाद में रुक जा रही है हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इसके लिए हम लोग पहले इनिशियल वेलोसिटी को निकालेंगे और फॉर्मूला लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी जहाँ v का वैल्यू है 0 u हमें निकालना है a का वैल्यू है माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t का वैल्यू है 2 सेकंड्स फिर इसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 0 इक्वल टू यू प्लस माइनस 12 मीटर पर सेकंड इस स्टेप में एक्सलेशन का 1 सेकंड टाइम के सेकंड के साथ कट गया है और यूनिट बच गया है मीटर पर सेकंड जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है और हमें निकालना भी है इनिशियल वेलोसिटी इसके बाद यहाँ प्लस और माइनस साइन है इसे मर्ज करके हम लोग माइनस साइन लिख देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 0 इक्वल टू यू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड फिर u का वैल्यू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड अब हम लोग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और फिर इन सब के वैल्यू को पुट कर देंगे जहाँ u का वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड जो कि अभी अभी निकाला t का वैल्यू है 2 सेकेंड प्लस हाफ a का वैल्यू है माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का वैल्यू है 2s जिसका स्क्वायर कर देंगे फिर इन सबको सॉल्व कर देंगे सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 24 मीटर और इन सब का वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर अब लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे दस द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स दैट्स इट यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा